जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जीके जीएस और इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही जीके जीएस और इंग्लिश से होना है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई नेचर के रहेंगे, ठीक है? तो जितना हो जाए उतना आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, और ये देख लीजिए आप सेक्शन जनरल अवेयरनेस, ठीक है? तो पहला प्रश्न है आपका एसएससी एमटीएस का, वो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो आपका दमन और दीव में है, लेकिन अगर पूछे सबसे अधिक किस में है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस में है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है आपका पुडुचेरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। और अगर पूछे राज्य में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अगर पूछे राज्य में, तो वो है आपका केरल, केरल में सबसे अधिक है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से, साइंस के एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे अधिक प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के इसमें पूछते हैं, कम से कम 8 से 9 प्रश्न केवल स्टैटिक जीके, ठीक है, जो आपका कला संस्कृति होता है वही। तो प्रश्न है पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति कारण बनती है? तो किस स्थिति के कारण बनती है यह प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, अल्प कैल्शियम रक्तता के कारण। किसके कारण? जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम रक्त रक्तता होती है, मतलब खून होता है, उसकी कमी के कारण ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से प्रश्न है। हिस्ट्री से आपके एक से दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपका पॉलिटी से, इकोनॉमी से भी। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किसने किया था, ठीक है, बिहार से पूछा है, तो वो है आपके कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। और 1857 में झांसी से, अपना बुंदेलखंड से किसने किया? महारानी लक्ष्मीबाई झांसी ने, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो भैया वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, तो वित्तीय सहायता तो बिल्कुल, प्रशिक्षण देगी आपको, ठीक है, रोजगार परक कौशल भी देगी, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा? लैपटॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अश्वशक्ति या हॉर्स पावर की एक इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करने के बराबर है? तो किसने? वो है आपके जेम्स वॉट। तो सीधे सीधा सा मतलब इसका ये है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है कि अश्वशक्ति जो है या हॉर्स पावर जो है इसकी खोज किसने की, तो वो है आपका जेम्स वॉट ने। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में कहते हैं तो वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो ग्रैमी पुरस्कार है और इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। कौन है?
तन्वी शाह है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की समूहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? तो वो है दाता निधि पर निर्भरता। क्या है? दाता निधि पर निर्भरता, ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न, SHG बैंक लिंकेज आंदोलन, लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से डैश ने किया था। किसने? नाबार्ड ने किया था, ऑप्शन टू सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, देखो इसमें प्रश्न चाहे जैसा हो लेकिन देखो कितना आपका टाइम व्यस्त जाएगा, इसमें टाइम बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपके पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, या ऑप्शन समझ लीजिए, विकल्प समझ लीजिए, और आपका बोला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन थ्री आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, जिसे हम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब शुरू की गई थी? 1979 में, ऑप्शन वन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, तो उनकी आत्मकथा है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ऑप्शन थ्री अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो वो है उष्णकटिबंधीय मानसून। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत के कितने जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ऑप्शन टू सही होगा। अगला, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो वो है आपका अविश्वास प्रस्ताव, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ऑप्शन फोर सही होगा। अगला प्रश्न है, देखो यह है इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, कला संस्कृति से प्रश्न है, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े एक दिवाली के त्योहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती हैं। तो किसका प्रदर्शन करती हैं? गुसाड़ी का प्रदर्शन करती हैं। किसका? गुसाड़ी का, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न फिर से स्टैटिक जीके से प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की किस नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसने कहा है नृत्य शैली, तो वो है आपका क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय जो है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है आपका, ठीक है, और बिहू भी आपका लोक नृत्य है, और बिहू कई बार प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है, देखो ये भी अलग वही प्रश्न है आपका स्टेट जीके से, डैश का शाब्दिक अर्थ है यानी मोहिनीअट्टम के बारे में पूछ रहा है, उसी के बारे में परिभाषा दी गई है कि मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। कौन सा? मोहिनीअट्टम। किस राज्य का है? केरल का है, ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये दो है जो है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये आपके कहाँ के हैं? केरला के हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका,
टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता। ईरानी कप किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ईरानी कप 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। ऑप्शन वन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 42वां संविधान। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, जो आपके संशोधन है, ठीक है, 100+ संशोधन है, ठीक है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन फोर सही होगा। अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटका में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो वो है आपके नेल्सन मंडेला। ये आपका पुरस्कार भी है। अगला, भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम डैश में स्थित है। तो देखो, कहीं कहीं आपके सरल प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। तो सब तो सरल नहीं पूछेगा, एक आध दो प्रश्न सरल पूछ लिए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे सरल होंगे, ठीक है। तो ये आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया बिहार में स्थित है। ऑप्शन फोर सही होगा। अगला प्रश्न है, श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है कहाँ पर? अलवर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है, श्री जगन्नाथ जी मेला अलवर राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन फोर सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है? तो वो है बप्पी लहरी। किसका है? बप्पी लहरी का है। तो ये थे आपके SSMTS में पूछे गए प्रीवियसर के 25 GK GS के प्रश्न, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कितने प्रश्न आप कर पाए। आगे जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।